फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स. देखेंगे कार्ड को एंड वील स्टार्ट विद नील टुडे. सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो जो अपॉर्चुनिटी को लेके खड़ा है वो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट अपॉर्चुनिटी एंड यू नो वांट टू टेक बेनिफिट ऑफ इट. ऑल्सो थोड़ा फोकस्ड लग रहा है उसके एक्सप्रेशन से. स्टेबिलिटी तो है ही एंड रेड स्कार्फ मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों है. ग्रीन है मतलब ओवरऑल येलो, इट्स ओवरऑल पॉजिटिव बट ही इज एक्साइटेड एंड फोकस्ड एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है मुझे. ऐसा लग रहा है. ओके देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज का मतलब क्या होता है, इमेच्योर्ड इरिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द एस्पेक्ट, है ना. एस्पेक्ट क्या है इसका, मनी, मटेरियलिस्टिक चीजें. और इसने पैसों को कैसे पकड़ा हुआ, बिल्कुल टिप्स पे, कि वो स्टेबल नहीं हो सकता. अगर मुझे स्टेबली पकड़ना है तो मैं ऐसे पकड़ूंगी, राइट. सो ये कार्ड क्या कहता है, दैट ठीक है उसके एनर्जेटिक है, पॉजिटिव एनवायरमेंट है, उसके पास स्टेटस है, लग्जरीज है, पैसा है, पर उसका जो एटीट्यूड है मनी के टुवर्ड्स वो बहुत ही इमेच्योर्ड है, किडिश है, चाइल्डिश है. जैसे हम कहते हैं ना कि भाई पैसा उड़ाना तो आता है, कमाना नहीं आता. कभी सोच ये नहीं होती कि पैसे को बढ़ाया कैसे जाए, इन्वेस्ट कैसे किया जाए, जो मैं निकाल रहा हूं तो मुझे कुछ डालना भी है, ऐसी सोच उसकी नहीं है. हाँ वैसे पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि पैसा है, लग्जरीज है, स्टेटस है, सब कुछ है, बट हमें गाइडेंस जरूर देनी पड़ेगी दैट यू शुड बिकम अ लिटिल मेच्योर्ड इन हैंडलिंग फाइनेंसेस, योर मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट. क्लियर. वैसे पॉजिटिव है तो हेल्थ के लिए भी पॉजिटिव रहेगा कि हेल्थ में अभी आपको कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन आप कुछ खास अपनी हेल्थ के लिए करते भी नहीं हो, तो वो एस्पेक्ट में आपको सोचना चाहिए. यू शुड बी अ लिटिल अवेयर अबाउट योर हेल्थ. रिलेशनशिप के लिए पूछोगे तो टेकिंग द रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड, आप अपने रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेते हो. रिश्तों में थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाइए, मेच्योर्ड हो जाइए, तो आपके लिए बेटर रहेगा. पास्ट में आप ऐसे थे, यू वर इररिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स मनी, प्रेजेंट में अभी हो इररिस्पॉन्सिबल, फ्यूचर में हो जाओगे. नेक्स्ट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स. जी संगीता बोले. मैम कार्ड तो ओवरऑल पॉजिटिव ही है क्योंकि येलो कलर है. ओके जिस तो हॉर्स है मैम वो ब्लैक है तो ये वाला मुझे कोई ज्यादा आइडिया नहीं आ रहा. ओके जितना आ रहा है उतना बता दो. मैम नाइट है तो मैम मैच्योर्ड होगा, एनर्जेटिक होगा, है ना, एंड गुड स्टेबिलिटी होगी इसके अंदर, गुड प्लानर होगा. ठीक है. और ये 13 नंबर है तो नॉलेज भी होगा इसके अंदर. 13 में 13 नंबर नहीं, 12 नंबर, 3 नंबर मैम सॉरी. यस नॉलेज भी होगा इसके अंदर. ओके हां जी तुषार आप क्या कहना चाहते हो. I think he's focused. He knows what he needs to do. He has taken. He has that opportunity as well. बहुत अच्छे से हाथ में उसने ले भी रखा है. But घोड़ा तो चल ही नहीं रहा है. He has not no control over the horse. So मतलब no control as in वो तो चल process कुछ है ही नहीं. So he knows his goal and everything, but zero action. I think that's the restriction over here in a way. Okay. Negative part. Okay. That's why the horse is black as well. Okay. जी श्रुति आप बोलें. मैम ही इज डिटरमाइंड, ही हैज फोकस कि आई हैव टू डू, बट वो जिसके सहारे चल रहा है, जिस वो घोरा वो ठीक नहीं है. मतलब उसका शायद वो पार्टनर होगा वो ब्लैक कलर का है. अभी तक आज तक हमने घोड़े को पार्टनर नहीं माना तो अब क्यों मान रहे हैं भाई. मतलब वो मुझे लग रहा था कि जैसे घोड़ जिसके सहारे या जिसके साथ वो चल रहा है वो सही नहीं है. ओके या वक्त उसका सही नहीं है क्योंकि वो मेरा हुआ है. एनवायरनमेंट तो पूरा येलो है. हाँ एनवायरनमेंट येलो है लेकिन वो सही वक्त सही नहीं है. मतलब वो तो खड़ा एकदम पूरा स्टिफ है. ठीक है. यस सो द कार्ड सेज दैट एनवायरनमेंट इज ऑल ओके. बहुत अच्छा येलो पूरा है, पॉजिटिव कार्ड है. नाइट है तो मेच्योर्ड है, रिस्पॉन्सिबल है, उसको पता है फाइनेंसिस को कैसे संभालना चाहिए, उसने संभाला भी हुआ है बहुत अच्छे से. मटीरियलिज्म का कोई दिक्कत नहीं है उसको, कोई दुख नहीं है उसको, है ना.
प्रॉब्लम क्या है, घोड़ा बिल्कुल स्टैग्नेंट है ना, जैसे हमारे पीछे जो घोड़े थे, कोई रुका, कोई धीरे धीरे चल रहा था, कोई भाग रहा था, कोई भागते भागते रुका था, इसका कुछ हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि ये लाइफ में स्टैग्नेंट हो गया है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप कहते हो भाई मेरी जॉब बहुत अच्छी है, पोजिशन बहुत अच्छी है, प्रोफाइल बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है, मेरे को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं बोर हो चुका हूँ इस जॉब से। रोज सुबह आओ वही काम करो, शाम को जाओ सो जाओ, सुबह आओ काम करो सो जाओ, एक मोनोटोनस साइकिल से आप बिल्कुल बोर हो चुके हैं, यू आर फीलिंग स्टैग्नेंट इन लाइफ, है ना। रिलेशनशिप हम कहते हैं यार मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, पति बड़ा लॉयल है, मैं बड़ी लॉयल हूँ, एवरीथिंग इज गुड, बट वो चार्म नहीं है, कहते हैं ना हम। अभी गाइडेंस क्या है, समझने वाली बात क्या है कि वो चार्म या आपकी जॉब में वो एक्साइटमेंट कोई बाहर वाला नहीं ला सकता, है ना। बाहर तो सब कुछ वैसे भी पॉजिटिव है, आप खुद इतने मैच्योर्ड हो कि आपको समझना पड़ेगा, ऑल यू नीड इज अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन। तो भाई छुट्टी ले लो, घूमने चले जाओ, रिलेशनशिप में बोर हो रहे हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाओ, वाइफ के साथ कहीं बाहर चले जाओ, टाइम स्पेंड करो, गेट द चार्म बैक, है ना। बहुत ज्यादा अगर इस फीलिंग में रहोगे फिर आप होपलेस होना शुरू हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाओगे, वो अच्छी बात नहीं है। तो हेल्थ में अभी तो ये किसी इश्यू को नहीं दिखा रहा, सिर्फ ये बता रहा है कि आप थोड़े बोर्ड हो गए हो, है ना, लाइफ में थोड़े आपको लग रहा है कि ये कैसी लाइफ है, डायरेक्शन लेस हो रहे हो। तो अभी ही इसका सोल्यूशन कर लोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर बहुत ज्यादा इस फीलिंग में रहोगे तो आगे दिक्कतें आपको आएंगी, क्लियर। सो कार्ड पॉजिटिव ही रहेगा पर गाइडेंस की यहाँ पे जरूरत रहेगी। हाँ जी श्रुति बोले। मैम ये कार्ड ऐसा शो नहीं करता क्या, जैसे होता है ना हम जॉब करते ही अब, लेकिन उसमें हम जो स्टैग्नेंट है उसमें बाहर ही नहीं निकल पाते, हम लोगों को लगता है कि हम बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन पीछे जो सिक्योरिटी होते है वो सब में फंस जाते हैं, तो ये कार्ड वो भी शो करता है कि वो फंसा हुआ है, कि वो मोनोटोनस लाइफ में एक रूटीन में फंस गया जी। हाँ जी प्रिया आप कुछ कहना चाह रहे हो। मैम ये गले के यहाँ पे ऐसे जो लाल ऐसा सर्कल सा ऐसा लगता है कुछ बांध के रखा है उसके, वो तो ड्रेस पहनी हुई है उसने, आर्मर पहना हुआ, सारे नाइट पहनते हैं वो। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हाँ जी रिचा बोले। जी मैम लाइक ऑल अदर क्वींस ये क्वीन भी बहुत प्रिविलेज्ड है, इनके पास वेल्थ है, कंफर्ट है, लग्जरी है, सब कुछ है। शी इज जस्ट मोर ऑन अ डेलिकेट साइड, ये बहुत ही डेलिकेट लेडी लग रही है, बहुत सॉफ्टनेस और सेंसिटिविटी इनके एक्सप्रेशंस में दिख रहा है, एंड जिस सेंसिटिविटी से इन्होंने अपने हाथ में वो पेंटिकल होल्ड किया हुआ है ना, सो शी इज मोर ऑफ द डेलिकेट साइड ऑफ अ क्वीन। ओके एनीबडी एल्स हु वांट्स टू से। मैम आई कैन स्पीक। हाँ जी तेजेंद्र जी बोलो। मैम इसमें ये जो हमारे प्लांट्स और पीछे रोजेस वगैरह दिखाए हैं फ्लावर्स, इससे पता लगता है कि शी इज कंटेंट इन हर लाइफ एंड शी इज जस्ट प्योर बाय फ्रॉम हार्ट, जो इसके वाइट कपड़े हैं वो हमें ये शो करते हैं कि शी इज प्योर, एंड द रैबिट ऑन द साइड एवरीथिंग टू शो दैट शी इज लाइक रियली कंटेंटेड इन हर लाइफ, शी हैज गेन्ड व्हाट शी वांटेड इन हर लाइफ। यस क्वीन है, क्वीन के साथ ही आ जाता है फेमिनिन इमोशंस, है ना, और आपका पावर, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सब कुछ दिख भी रहा है इसमें। इसने रेड एंड व्हाइट पहना हुआ है, प्योरिटी, एनर्जी, पैसे की रानी है ये, मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट की रानी, मींस फुल ऑफ वेल्थ, फुल ऑफ लग्जरीज, फुल ऑफ मनी, तब भी उसका थ्रोन ब्राउन है ना, means a very humble person, पैसे को पकड़ के maturely संभाल के वो सर झुका के बैठी हुई है, which means a very humble person, down to earth। अभी तक देखो हमने जो रानियां देखी थी cups वाली emotional ज्यादा थी, है ना, wands वाली career oriented थी, swords वाली थोड़ी dominating थी, अगर आप compare करोगे तो ये सबसे balanced रानी है, है ना, आज के हिसाब से देखोगे तो सबसे बड़ी भी है, पैसे की रानी है, तो आज के सिनेरियो में पूछोगे तो सबसे बड़ी है ना, लेकिन सबसे हम्बल भी है, तो ये क्वींस में सबसे बैलेंस्ड कार्ड है, राइट। और कई बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि ये ऐसे मुंह लटका के बैठी है, उदास है, तो उन्होंने रैबिट बनाया हुआ है, रैबिट चंचलता को दिखाता है, कोई उदास उदास नहीं है, वो हम्बलनेस को दिखा रहे हैं आपको,
है ना, हेल्थ वाइज परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है उसको, रिलेशनशिप्स इसके बहुत अच्छे होंगे ही होंगे क्योंकि हम्बल है, सब कुछ होने के बावजूद वो इतनी हम्बल है. क्लियर? सो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर ऑल एस्पेक्ट्स. क्लियर? मैम रैबिट क्या शो करते हैं? चंचलता को दिखाता है, दैट उसको आपको ये ना लगे कि वो उदास है या वो सैड है, सर झुका के बैठी. हाँ जी नील बोले. मैम अगर गाइडेंस देने का सिनेरियो आता है ये कार्ड में, सो व्हाट डू वी से के स्टे हंबल. हाँ ऐसे बनो इस पे जैसे बनो, बैलेंस एंड वैल्यू व्हाटएवर यू हैव. यस, बी डाउन टू अर्थ, हंबल, be loving towards others, be understanding, इसके जैसे बनना पड़ेगा. और एंड मतलब just take care of whatever you have, like उसको ध्यान रखो, just like that. Okay. Yes. Last card is King of Pentacles. Whosoever wants to speak can raise their hand. Yes, शिखा बोलें. ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है और इसमें जो किंग है वो बहुत ही मतलब केयरिंग वाला लग रहा है, सबका ध्यान रखने वाला, और हर हिसाब से ये जिसके जो इसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं उनको भी बहुत अच्छे से संभाले हुए है, और उसके साथ साथ उसके उसको एंजॉय भी कर रहा है. ऐसा नहीं लग रहा कि खाली बस बैठा हुआ है, और वो हर तरह से मतलब बहुत खुश दिख रहा है और स्टेबिलिटी उनके पास पूरी है. और थोड़ा सा जैसे किंग है तो स्टबर्न होते हैं, तो ये स्टबर्न उतना लग नहीं रहे जबकि सिंबल पीछे दिख रहे हैं स्टबर्न के उनके, तो फेस इनका ऐसा शो नहीं कर रहा कि ये स्टबर्न है लेकिन स्टबर्न के सिंबल है, तो ये मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए मैंने रेज किया कि मुझे कंफर्म करना था ये चीज. ठीक है, बाकी लोग जो बोले प्लीज इससे अलग बोले, रिपीट ना करें. हाँ जी मीनाक्षी बोले. मैम इनके हाथ में स्टाफ है, केयरिंग एंड शेयरिंग आपने सिखाया था, एज वेल एज हमने जैसे अभी तीन कार्ड्स में देखा ना, उन्होंने ऐसे करके पकड़ा हुआ है पेंटिक, इन्होंने ऐसे हाथ रखा हुआ है उसके ऊपर, तो फुल कॉन्फिडेंट और पूरा मतलब अधिपत्य कि हाँ मेरे पास ये है. एज वेल एज एक आपने ना कार्ड में सिखाया था मैं क्वीन का ना पीछे जो सिंहासन थ्रोन बोलते हैं वो ब्लैक था, इसका भी मुझे ब्लैक दिख रहा है, मतलब पूरा डूबा हुआ है ये अपने मेटेरियलिस्टिक थिंग्स में, ऐसा मुझे लग रहा है. ओके श्रुति आप क्या कहना चाहते हो? मैम ये मुझे जैसे आज तक जितना किंग देखा मुझे लग रहा है कि ये इसको लग रहा है कि ये पूरा मेटेरियलिस्ट ये से बहुत ही ज्यादा भरा पड़ा है, मतलब उसका एकदम सामने जो दिख रहा है कि बहुत फ्लरिश्ड है ये सबसे. रिचा आप क्या कहना चाह रहे हो? जी मैम मैं कहना चाहती थी ये राजाओं के राजा लग रहे हैं, क्योंकि इनकी ड्रेस में जितने फ्रूट्स बने हैं किसी के भी इतने फ्रूट्स नहीं बने. So he has worked hard. He has made a name and fame for himself. He has a high respect in society. ऐसा मुझे दिख रहा है. जी बिल्कुल, किंग है ये, पेंटेकल्स का किंग है, मटीरियलिज्म का किंग, पैसे का किंग, प्रॉपर्टी का किंग, वेल्थ है, स्टेटस है, नेम एंड फेम है, पावर है, अथॉरिटी है, सब कुछ दिख रहा है हमें, है ना. पेंटेकल को बड़े अच्छे से पकड़ा हुआ है, पीछे प्रॉपर्टी है, स्टाफ है, हाथ में शेयरिंग एंड गेयरिंग है, बट आप देखोगे पीछे गोट हेड से भी हैं और एम्परर का छोटा कार्ड लगता है. ये देखो आर्मर पहना हुआ है इसने, ऊपर से दिख नहीं रहा, पैर से दिखाया हुआ है ना. डोमिनेटिंग भी होगा, स्टबर्न भी होगा, पर सोचने वाली बात एक और भी है. क्या है कि सब कुछ हम इतनी बड़ाई करे जा रहे हैं पर इसमें इतनी ब्लैकनेस क्यों है कार्ड में? और अगर आप 10 नंबर का कार्ड भी निकालोगे तो भी आपको ये दिखेगा कि कार्ड इतना पॉजिटिव है और हमने पॉजिटिव ही पढ़ा है, उसमें भी ब्लैकनेस है ना. क्यों है? ब्लैकनेस में फ्रूट्स दिखाए हैं, है ना, क्योंकि ये एस्पेक्ट क्या है? पैसा, मटीरियलिज्म. अब तुम मटीरियलिज्म के राजा आज की डेट में सत्यवादी हरीशचंद्र बन के नहीं बन सकते, है ना. अगर आपको ये कह दिया जाए बिजनेस करना है पर आप बिल्कुल इधर आटे में नमक भी नहीं मिला सकते, बिल्कुल सच बोलना है, एक महीने में बंद हो लेगा, है ना. सो ये कार्ड क्या कहता है कि हाँ भाई इसमें जो है डोमिनेटिंग है, बिल्कुल है, स्टबर्न है, थोड़ी ईगो है, थोड़ा हेरा फेरी करने की क्षमता है, थोड़ी मैन्युपुलेशन है, कन्विंसिंग पावर है, पर वो सारी चीजें ठीक है क्योंकि यहाँ पे एस्पेक्ट मटीरियलिज्म है.
हम रिश्तों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जहां हम बोलें कि नहीं जी सच्चाई होनी चाहिए बिल्कुल, है ना, हम कर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम सोच की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम मटीरियलिज्म की बात कर रहे हैं। तो जब आप 10 नंबर भी क्या था, कंप्लीशन ऑफ मटीरियलिस्टिक गोल्स, है ना, और यहाँ पे भी क्या है, एक तरीके से कंप्लीशन ही है, राजा बन गए आप उस चीज के। तो इतनी हाई पोजिशन में पहुंचने के लिए आपको थोड़ी 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 नेगेटिविटीज को अपनाना ही पड़ेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आटे में नमक ही हो, नमक में आटा ना हो जाए, है ना, इतना सा आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। बाकी आपको आप मैच्योर्ड इनफ हो सब कुछ समझने के लिए। तो जैसे गाइडेंस भी हमें देनी पड़ जाए इस कार्ड में, कोई कहता है मेरा ये काम ना बड़ा अटका हुआ है, हो ही नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे कि भैया ना देखो आपको थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच अपनाना पड़ेगा, बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते चल के होगा नहीं है आपका काम। क्लियर? जैसे कहते हैं ना कि भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, तो हमें टेढ़ी करनी भी आनी चाहिए, वही वाली बात है इस कार्ड में, कि इसको वो भी आता है, इसको पता है कि कैसे क्या टैकल करना है। एंड विच इज अ गुड थिंग व्हेन यू टॉक अबाउट बिजनेस, व्हेन यू टॉक अबाउट मटीरियलिज्म। क्लियर? रिश्तों के लिए भी अच्छा कार्ड है, ठीक है, केयरिंग है, शेयरिंग है, दिखाया ही हुआ है उन्होंने स्टाफ में, उसमें क्षमता है कि वो तुम्हें प्रोवाइड कर पाए, राजा है वो, तो वो चीज भी है। हेल्थ वाइज भी हमें कोई इशू नहीं दिखता, हेल्थ भी अभी आपकी ठीक है। क्लियर? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल आर 78 कार्ड्स इन ऑल 7 एस्पेक्ट्स। द रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर योर क्लासेस, फॉर योर डाउट्स, तो अपने सारे के सारे कार्ड्स निकाल लीजिए और एक दूसरे को कट नहीं करेगा कोई, बीच में नहीं बोलेगा, एक एक करके अपने हैंड रेस करते जाइए, आप सबके डाउट्स में लेती जाऊंगी, है ना। मीनाक्षी बोले, मैम वो कौन सा साइन है मैम जो आप कह रहे थे सूट्स में आता है सिर्फ, जैसे कहीं मिस लिजर्ड तक, इसमें क्या है मैम? वो अलग अलग सूट्स में दिखाया हुआ है ना, इसमें कोई है नहीं वैसे, इसमें अलग अलग है, क्वीन में रैबिट है, इसमें गोट हेड दिया हुआ है, बाकी कप्स में जैसे फिश यूज की थी, बटरफ्लाई यूज किया था स्वॉर्ड्स में, कैमेलियन यूज किया था वॉन्स में, वो आपने बता दिया था सर जी। तुषार बोले, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा टैरो का फ्यूचर कैसा रहेगा और जजमेंट का कार्ड आ जाए, तो ये क्या मैं सक्सेसफुल क्या बोलूंगा मैं, क्या आप होगे बट कट जाएगा फिर आप होगे, मतलब मैं ये बोलूंगी कि आपको शुरू में बहुत कठिनाइयां आएंगी, आपको स्ट्रगल काफी करनी पड़ेगी, बैलेंस बनाना पड़ेगा, एक बार के लिए आपको लगेगा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना, लेकिन आपको हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हिम्मत रखेंगे तो बहुत जल्द आपको एक दूसरा मौका मिलेगा इसी चीज में, आपको एक रिवाइवल मिलेगा, कोई नई सोच आ सकती है, कोई नया वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपके टैरो करियर को रिवाइव कर देगी, ठीक है। सो सक्सेस मिलेगी बट अ लिटिल डिलेड, एंड जो आप चीज शुरू करोगे उसमें कोई बदलाव करके। ओके, एंड सो आई लाइक द वे यू आंसर्ड एक्चुअली, कि अगर हम कभी रिलेशनशिप में भी अगर ये बोले तो ये, मतलब हम ये कैसे बोले कि ये तो टूटेगा एक बार और फिर वो टूटेगा नहीं बोलना ना, हमें तो सेकंड चांस मिल ही रहा है, टूटेगा ही नहीं, हम ये कहेंगे एक बार प्रॉब्लम्स बहुत आ जाएंगी आपको, जैसे आप कहते हो लव मैरिज कर रहा हूँ भाई आगे क्या रहेगा, तो मैं कहूंगी कि देखो आप लव मैरिज कर तो रहे हो, आपके दिल में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी, जब हम लव मैरिज करते हैं तो हमारी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं शादी से, है ना, वो एकदम से पूरी नहीं होंगी, एक बार आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, पर उस समय पे हिम्मत रखना, क्योंकि जब आप हिम्मत रखोगे, एफर्ट्स डालते रहोगे, हार नहीं मानोगे, अंडरस्टैंडिंग रखोगे, तो ईश्वर आपको मौका जरूर देंगे और आपकी मैरिज को सक्सेसफुल बनाएंगे। व्हेन वी आर यू नो टेलिंग प्रिडिक्टिंग टू द क्लाइंट, व्हेन वी आर टेलिंग समथिंग टू द क्लाइंट, वी हैव टू यूज वेरी सॉफ्ट वर्ड्स। देखो मैं आपको पढ़ाती हूँ, है ना, जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं हार्श वर्ड्स भी बोल देती हूँ कार्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, लेकिन जब आप प्रिडिक्ट करते हो तब नहीं बोला जाता ऐसे, तब हमें सॉफ्ट कोट करना पड़ता है वर्ड्स को। जैसे आप सोचो आप किसी डॉक्टर के पास गए हो और वो आपको ऐसे पत्थर मार के किसी चीज के बारे में बता दे, तो हमारा दिल ही टूट जाता है। एक वही चीज है, कोई डॉक्टर हमें शुगर कोट करके बता रहा है, हमें होप दे रहा है, वही काम हमें भी करना है। जब एक क्लाइंट हमारे पास आता है वो ऑलरेडी दुखी है, वो ऑलरेडी परेशान है, खुशी में कोई नहीं आता हमारे पास, है ना, तो हमें उसका दिल तोड़ना नहीं है। हैविंग सेड दैट, हम झूठ भी नहीं बोल सकते, है ना, तो ये भी सच, ये भी याद रखना है कि झूठ भी नहीं बोल देना कि आगे तो बिल्कुल तबाही दिख रही है और हम कहें नहीं नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे भी नहीं हो सकता, है ना। एंड सेम थिंग ही मेरा ये इसमें भी लग रहा था कि डेथ कार्ड में भी अगर दिस इज स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स या ऐसे कुछ बोले कि शादी हो रही है मेरी कैसी रहेगी और डेथ आ जाए,
तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ क्लाइंट को कि ठीक तो लग नहीं रहा है मुझे, या मतलब हाउ कैन आई से नेगेटिविटी दैट प्रोमिनेंटली? उस समय अगर जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मैं पहली बात तो उनको ये बोलूंगी कि आप रुक सकते हो अभी शादी के लिए। अच्छा। अगर वो कहेगा कि हाँ हमें तो ऐसे कोई जल्दी नहीं है, तो मैं कहूंगी अभी आप 6 से 8 महीने मैरिज मत करो, द टाइम इज नॉट राइट फॉर यू। अगर वो कहता है नहीं जी हमारी तो शादी तय हो चुकी है, इस डेट को शादी है, तो मैं कहूंगी कि फिर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा शादी के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, पहले से ही उम्मीदें कम रखना, क्योंकि मुझे इस रिश्ते में इतनी सक्सेस नहीं दिख रही है ना। तो अभी मैंने उसको बहुत हाई होप्स भी नहीं दिए रिश्ते के, और बिल्कुल दिल भी नहीं दिया, पर मैंने उसे इंडिकेशन भी दे दिया कि ये रिलेशनशिप नहीं चलेगी, है ना। और क्योंकि हमने आपको बताया था प्रारब्ध होता है पर क्रियामान भी तो होते हैं 40%, है ना। तो मैं ये क्यों मान लूं कि बिल्कुल ही टूट जाएगा, है ना। मैं अपनी तरफ से तो एफर्ट, इसलिए मैंने उसको बोल दिया कि भाई आप पूरे एफर्ट्स डालिएगा, उम्मीदें पहले ही कम कर लीजिएगा। तो हो सकता है कि अगर मेरा पूरा 40% मैं पॉजिटिव कर दूं तो मेरी शादी टूटने से थोड़ी बच जाए, थोड़ी प्रॉब्लम्स आके रह जाए। बट हाँ, हमें बोलना तो पड़ेगा कि हमें सक्सेस नहीं दिख। ओके, थैंक यू। टैरो कार्ड्स एज आई टोल्ड यू आर योर लाइफ, और अगर आप अपनी लाइफ देखोगे तो ऐसा नहीं है ना हमारे साथ बुरा नहीं होता, हमारे साथ बुरा भी होता है, हमारे रिश्ते भी टूटते हैं, हमारी हेल्थ भी खराब होती है, हमारे बिजनेस भी बंद होते हैं, हमारी जॉब भी जाती है, होता है ना। तो टैरो में भी नेगेटिव रीडिंग्स आएंगी। यही कि बोलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, यू हैव टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द क्लाइंट, राइट। कई बार मैं देखती हूँ कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का क्या हो जाता है कि बिकॉज दे रीच्ड अ सर्टेन हाइट और समथिंग, दे वेरी टू द पॉइंट, है ना। उनको लगता है टाइम वेस्ट नहीं करो, धड़ 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 बोला चाहे दूसरे पे कुछ भी, वो अप्रोच मुझे ठीक नहीं लगती है ना। सो यू शुड बी सॉफ्ट एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द क्लाइंट, राइट। जी शिखा बोले। जैसे एक कोई है, उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरी शादी क्यों नहीं हो पा रही है, और कार्ड निकला द टॉवर का। तो मुझे, मैंने जैसे बोला कि ये भगवान की ही मर्जी लग रही है कि आपका मतलब शायद सेटिंग नहीं बन पा रही है, तो अभी तो आपको होप इस समय फिलहाल नहीं रखनी चाहिए, मे बी सम टाइम आफ्टर, मतलब आपका कुछ हो सकता है कि पॉजिटिविटी कहीं पे आए और आपका संबंध बन जाए, लेकिन फिलहाल आपका अभी भगवान की तरफ से ही देरी लग रही है। Yes. तो ये आंसर, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में बोलते हो ना कि भाई अभी योगी नहीं है शादी के, बोलते ही है ना हम, तो वही बात ये कार्ड टैरो में बोल रहा है कि भाई अभी आपके टाइम ही नहीं है आपकी शादी का, है ना। तो डिवाइन ही नहीं चाहता अभी आपकी शादी हो, इसलिए आपकी शादी नहीं हो रही है, राइट। क्लियर। एक क्वेश्चन और है कि मेरा बिजनेस पता नहीं क्यों नहीं, मतलब मेरा बिजनेस चल ही नहीं पा रहा है, और कार्ड आया है 5 of Pentacles। 5 of Pentacles क्या कह सकता है कि एक तो आपके पास राइट मॉनेटरी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। जितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जितना आपको एड्स, जैसे मैं बोलती हूँ भाई एड आपको मार्केटिंग करनी है, जितने आपको फंड्स चाहिए वो नहीं है, एक आपको सपोर्ट भी नहीं है ज्यादा लोगों का, है ना। तो राइट मैंने राइट पीपल नहीं है, राइट मनी नहीं है, तो सक्सेस कहाँ से मिलेगी। जी जी ठीक है। यस पूजा बोले, अनम्यूट करो। मैम 2 of Wands का है, जैसे 2 of Wands का होता है कि हेल्थ में क्वेश्चन पे डिपेंड करता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नहीं तो क्वेश्चन नेगेटिव है, हाँ सही कह रहे हो। हाँ तो जैसे क्लाइंट पहले से ही बीमार है तो हम बोलेंगे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, प्रॉब्लम, तो इसमें हम गाइडेंस क्या देंगे? गाइडेंस देंगे भाई, बैलेंस बनाओ, डॉक्टर जो कह रहा है उसको प्रॉपरली मानो, प्रिकॉशंस लो, कोई भी लापरवाही आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। और एक मैम मुझे एक समझ में नहीं आया, 10 of Wands का, आपका ड्रीम का साकार होना है एंड नॉट मनी, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। वो हिंदी में था ना मैम, तो कुछ समझ में नहीं आया, आपका ड्रीम का साकार होना है एंड नॉट मनी, कुछ ऐसा था। इंग्लिश वाले में पढ़ लो यार उसको, मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या बोल रहे हो आप। तो मैम मैं हिंदी में ही लिख रही थी ना, मुझे समझ में नहीं आया वो। अच्छा नहीं, उसकी लाइन ना इंग्लिश वाले में पढ़ लो, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में दूसरा बताती हूँ मैम। 2 of Wands का था, अगर आप एक्टिंग करना स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस को इंडिकेट दे सकता है, इसका मतलब अगर आप एक्शन लेते हैं, अगर आप बैलेंस बनाते हैं,
अभिनय भी था मैम कुछ अभी नहीं, वो गलत लिखा हुआ है, वो इंग्लिश हिंदी कन्वर्जन है ना, तो वो एक्शंस को उसने एक्टिंग ले रखा है, अगर आप एक्शन लेते हो। ओके मैम जी, सुचित्रा बोले। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स हियर। मैम मेरा सिमिलर टू तुषार वाला क्वेश्चन था मेरे लिए खुद के लिए कि मेरा टैरो कार्ड जर्नी कैसा होगा अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो मुझे आया था पेज ऑफ वांड्स। ठीक है, वो आंसर तो हम अभी दे रहे हैं, पर मैं ये बता दूं कि इसको रियल मत मानना, क्योंकि अभी आपको चार्जिंग वगैरह नहीं आती ना, तो यही मान के चलना आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसको रियल अप्लाई मत कर लेना। पेज ऑफ वॉन्स कहता है कि भाई आप अभी तो बड़े सीरियस हो रखे हो और आपका बड़ा मन है कि मैं ऐसे करूं वैसे करूं, बड़ा एनालाइज कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, एनर्जी भी बड़ी अच्छी है और अच्छा भी रहेगा आपको, बस ये देखना है कि ये ना हो कि 2 महीने तो भाई 8-8 घंटे में काम कर रही हूँ, 3rd महीने से थोड़ा सा अब रिलैक्स हो गए कि भाई अब चल तो गया, आप क्या जरूरत है इतना काम करने की। जितने एंथुजियाज्म से आप सीख रहे हो, शुरू करने की सोच रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं है। मैम वन मोर क्वेश्चन है, सी एक फैमिली का प्रॉपर्टी का इश्यू है, एक पर्सन के फादर गुजर गए हैं, उनके अंकल है चाचा, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पता नहीं उनको क्या डाउट है उनके ऊपर, तो ही आस्क्ड मी दैट व्हाट इज हिज करंट फीलिंग्स अबाउट माय फैमिली, ही हैज हिज वाइफ एंड किड्स, सो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाला है मैंने। क्यों? वो तो फीलिंग्स पूछ रहे हैं। पता नहीं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों ही मैंने निकाला है, तो पास्ट में आया हैंग्ड मैन और प्रेजेंट में आया मून एंड फ्यूचर में आया हाई प्रिस्टेस। देखो इसमें क्या है ना, अब आप या तो ये मानो कि ये उस आदमी के लिए निकाले हैं आपने जिस आदमी की आप बात कर रहे हो, है ना, या ये उस आदमी के लिए जो विक्टिम है, मतलब आप जिसके लिए सोच रहे हो कि भाई उसकी फीलिंग, क्योंकि हमें एक पर्सन तो चाहिए ना यहाँ पे, नहीं तो मैं फीलिंग्स देखती सिर्फ एक कार्ड से, जो आपका क्वेश्चन था उसके लिए मुझे फीलिंग्स देखने के लिए 3 कार्ड्स की जरूरत थी नहीं, पर अब जैसे आपने निकाल ली तो अब मुझे नहीं पता आपने किसको सोच के निकाला है, अगर आपने 3rd पर्सन को सोच के निकाला है तो भाई ये हैंगमैन कहता है कि पास्ट में वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, सब कुछ भगवान पे छोड़ रखा था, प्रेजेंट में उनको ये लग रहा है मुझे धोखा मिला है, मुझे चीट किया गया है, तो ये विक्टिम की तरफ से ज्यादा लगते हैं आपके कार्ड्स, है ना, कि वो सोच रहा है कि लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं, भाई मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरे साथ कोई नहीं है, ऐसी उसकी फीलिंग्स है। और फ्यूचर का कार्ड क्या है? हाई प्रिस्टेस कहता है ठीक हो जाएगा फ्यूचर में, ही विल बी एबल टू बैलेंस, उनको समझ भी आ जाएगा कैसे डील करना है, उनकी इंट्यूशन पावर उनको अच्छी तरह गाइड भी करेगी और जो उनका पैसा अटका हुआ है वो निकल भी सके, या जो प्रॉपर्टी का मतलब जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये किन के लिए मैम, क्लाइंट के लिए या फिर क्लाइंट ने जिनके बारे में पूछा उनके लिए? वो आपको सोचना पड़ेगा ना, अब वही प्रॉब्लम है ना कि आपने पूछा तो कुछ और क्वेश्चन था, कार्ड्स निकाल ले 3, तो अब वो तो आप किसी पे भी, मतलब ये डमी है तो अभी हम इसको कुछ मान नहीं रहे, मैंने सिर्फ आपको इंटरप्रिटेशन बताई। क्लियर जी? यस श्रुति बोले। मैम कोई स्पेसिफिक कार्ड होता है क्या या कुछ कार्ड होता है क्या यस और नो के लिए? सारे ही कार्ड्स होते हैं यस नो के लिए, स्पेसिफिक क्यों हो सकता है? अच्छा, स्पेसिफिक ऐसा नहीं है, सारे कार्ड्स ही यस नो में आ सकते। कोई भी कार्ड किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं होता, जब रीडिंग होगी तो 78 कार्ड्स इकट्ठे ही होंगे, राइट जी। प्रिया बोले। किसी ने पूछा कि आपका मेरा मकान बन जाएगा क्या, तो उसमें डेथ का कार्ड आया था, तो मैंने उनको बोला कि अभी नहीं बन सकता, आपको 1-2 साल रुकना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल उसके बाद सही बोला, सही रहा। और मुझे नई जॉब लग जाएगी क्या, तो चैरियट का कार्ड आया था। हाँ जी लग जाएगी। तो केवल इतना जितना क्वेश्चन पूछा है उतना ही आंसर देना है? आपको ऐसा लग रहा है क्लाइंट एक क्वेश्चन पूछने आएगा, उसके पास इतनी लंबी लिस्ट होगी तो मैं बोलना पड़ेगा बस अभी हो गया, ठीक है, क्लाइंट एक क्वेश्चन पूछने नहीं आते, है ना। एक क्लाइंट से आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हो? तो आप एक, दो या कि आप कैसे लिमिट लगाते हो, है ना, जैसे कई लोग, मैं म्यूट कर लूं आपको, थोड़ा डिस्टरबेंस है, मैं जवाब दे रही हूं आपका, है ना। सो कई लोग क्या करते हैं, टाइम से लिमिट करते हैं कि भाई 15 मिनट की रीडिंग, है ना, कई लोग करते हैं क्वेश्चन से लिमिट की एक टाइम पे आप 3 क्वेश्चन पूछो, वो आपकी मर्जी है, पर लिमिट लगाना जरूरी है,
लिमिट नहीं लगाओगे तो वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा सेशन, क्योंकि पहले खुद के बारे में, फिर पति के बारे में, फिर बच्चों के बारे में, फिर इसके बारे में, फिर उसके, वो तो कभी नेवर एंडिंग है, वो तो एक ही रीडिंग लगेगी आपकी सुबह से शाम तक। तो आपको लिमिट तो करना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है कैसे करते, राइट। हाँ जी ऋतु कामत जी बोले। एक बात कि लोग टेरो में तीन तीन चार चार कार्ड निकालते हैं, तो उसका क्या मीनिंग होता है? अभी हम भी करेंगे, स्प्रेड्स करेंगे ना, तो तीन भी निकालेंगे, छह निकालेंगे, दस निकालेंगे, बारह निकालेंगे, सब निकालेंगे, अभी आपको स्प्रेड्स में पता लग जाएगा। हाँ जी ऋतु कामत जी बोलो। आई हैव थ्री फोर क्वेश्चंस। आस्क। तो जो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, अगर किसी को आता है, मेरे पास तो जॉब ही नहीं है और मेरे बिल्कुल बैंक अकाउंट, आई एम क्या कहते हैं, बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट मतलब वो ले रहा है कि दे रहा है, समझ में नहीं आता। देखो यहाँ पे ना, हमें सबसे पहली बात तो क्वेश्चन चाहिए। आपने जो भी बोला स्टेटमेंट है कि मेरे पास जॉब नहीं है, आई एम बैंकक्रप्ट, दिस इज अ स्टेटमेंट, देयर इज नो क्वेश्चन आस्क्ड। क्वेश्चन कैन बी व्हाई एम आई बैंकक्रप्ट, क्वेश्चन कैन बी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, है ना, ये हो सकता है। क्वेश्चन कैन बी आई नीड सम हेल्प, विल आई गेट इट, तो वी नीड अ क्वेश्चन। नाउ इफ यू आस्क विल आई गेट इट, यस यू विल गेट इट। व्हाई एम आई बैंकक्रप्ट, because you did not care about your money, you spent it all, आपने जिस हिसाब से आपको सही लगा आपने उस हिसाब से लोगों में बांट दिया या जो भी आपने खर्चे कर दिए, है ना। मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, तो हम कहेंगे फ्यूचर आपका बेटर होगा, जो अभी आपके हालात हैं वो सुधर जाएंगे। Okay. मैम my next question is कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया कि my relationship is not good, again there is no question, why is my relationship not good? Because yourself, you're busy with yourself, you're busy with spending what you've earned, aap apne luxuries, apne, you know, apni khushiyan, apne upar hi focused ho, isliye aapka relationship nahi chala. Ye matlab ye dono party ke liye aa sakta hai ki ek hi individual ke liye? Jiske liye aap puchoge bhaiya, jo bhi aap puchoge, jiske liye bhi aap puchoge, usko apply karega. Question zaruri hai, bas aapko ye yaad rakhna padega, everything in tarot depends on the question. अगर आप statement बोल रहे हो, हमारे पास कोई answer नहीं। अच्छा मैम, ऐसे कहीं सुना था मैंने कि signing of documents और air travel ऐसे भी कोई specific cards होते हैं? नहीं, ऐसे कोई specific cards। air travel eight of wands में बोल देते हैं, वो भी कोई logic नहीं है, और signing of documents तो कुछ किसी में है ही। अच्छा मैम, ये मैंने भी dummy question पूछा था, how will my tarot career be? तो ace of cups आया था, उसका क्या मतलब? It'll be very nice, it'll be very fulfilling, it will give you emotional satisfaction. जो आप सोचते हो आज तक कि मुझे you know मैं ये चीज कर पाऊ, है ना, हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है, वो पूरा होगा आपका इससे। मैम और एक मेरा सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा मुझे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आप अपने प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर रहे हो, पास्ट को ही लेके बैठे हो, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ऐसा होता तो ऐसा होता, वैसा होता तो वैसा होता, यू आर टोटली एग्जॉस्टेड, नॉट हैप्पी इन द प्रेजेंट सिचुएशन। गाइडेंस ये है कि प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें, पास्ट में रहने से कभी किसी को कुछ नहीं मिला। यस अर्पिता बोले। मेरा क्यों नहीं आ रहा अर्पिता? मैम क्वेश्चन है व्हाई शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, सो मैम मेरा कार्ड आया था नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स, ओके, व्हाई शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, मुझे लग रहा है कार्ड ही गलत है। वो तो अभी वैसे भी आप डमी कर रहे हो, तो कोई कार्ड आपके सही नहीं है, लेकिन हाँ ये भी बात सच है कि अगर नेगेटिव क्वेश्चन हो और आपका इतना पॉजिटिव कार्ड आ जाए, तो कहीं ना कहीं वो ये भी बोलेगा कि आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती, पर हम तो डमी कर रहे हैं, तो हमें तो हर कार्ड पे बोलना सीखना है या आना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपने कोई ना कोई चीज में ना बहुत हेस्टी डिसीजन लिया, जो उसको पसंद नहीं आया, वो रिश्ते में स्लो एंड स्टेडी चलना चाहती थी, लेकिन आपने कोई ना कोई हेस्टी डिसीजन लिया है, जिस वजह से वो गुस्सा आया आपसे और आपसे बात नहीं कर रही। मैम अगर रीडिंग के अंदर दोनों ही कार्ड्स नेगेटिव आ जाएं तो फिर क्या करना चाहिए? मतलब कौन से दोनों कार्ड्स? मैम अब मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं है कि क्या था, बट दोनों ही नेगेटिव कार्ड्स आ जाएं अगर, चॉइस में कि मेरे लिए जॉब अच्छी है या टैरो या बिजनेस या टैरो। ठीक है मैं समझ गई, आप ये कह रहे हो कि हम चॉइस देख रहे हैं और दोनों ही नेगेटिव आ जाए, तो क्या होता है ना जब हमारा समय खराब होता है ना, तो तुम कुछ भी कर लो वो चलना नहीं है, ठीक है, तो ये वही चीज को दिखा रहा है। तो इसमें हम यही बोलेंगे पहली बात कि अगर आप कुछ समय रुक सकते हो तो रुक जाइए, अभी चेंज करने का टाइम ही नहीं है,
क्लाइंट कहता है मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं तो करके मानूंगा, तो जिस कार्ड में कम नेगेटिविटी है उसको हम चुन लेंगे। ठीक है, यस नील बोले। मैम क्वेश्चन था कि शुड द पर्सन गिव लीगल नोटिस टू समवन, जो भी था तो उसमें आया क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया, तो यस है उसका मतलब। हाँ, बिल्कुल यस, राइट। सो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि यस तो आ गया एंड द क्वेश्चन इज आंसर्ड। अब जब हम यस एंड नो को क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी कार्ड आता है उसमें डू वी नीड टू लुक फॉर मोर थिंग्स फॉर द सिचुएशन द सेम कार्ड, या फिर विल हैव टू मूव टू अ न्यू क्वेश्चन? व्हाट विल हैपन इज, आपको ऐसा लग रहा है दैट द क्लाइंट विल स्टॉप ऑन दिस क्वेश्चन, बट ही विल नॉट। आपने बोल दिया यस वो पूछेगा, फिर क्या होगा? पूछेगा ना, ये थोड़ी है यस सुन के चला जाएगा, है ना। आगे भी तो उसके क्वेश्चंस होंगे, तो हमें कार्ड्स निकाल के आंसर करने पड़ेंगे, है ना। यस नो में हाँ, लेकिन एक ही कार्ड निकालेंगे और उससे आंसर देंगे, फिर वो जो आगे पूछेगा तो वो चलेगी रीडिंग आगे, राइट। सो मतलब जैसे उन्होंने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन, सो डू वी कीप दिस कार्ड फॉर रेफरेंस और कि फिर? नो नो, दिस विल गो असाइड, दिस विल बी केप्ट असाइड एंड देन वी विल टेक आउट मोर कार्ड्स टू आंसर। हां, सो मैं वही बोल रही हूं कि वो जो कार्ड्स के इंटरप्रिटेशंस आएंगे तो उनको हमें ये कार्ड से फिर कनेक्ट नहीं करना है ना, मतलब दैट्स अ डन मैटर, राइट? दैट्स अ डन क्वेश्चन, यस जी। मीनाक्षी आप कुछ कहना चाह रहे हो? यस श्रुति बोले। मैम मैं एक चीज मिस कर गई थी, आपने एक दिन बोला था कि कुछ कलर कॉम्बिनेशन होता है जैसे कपड़े का या ऐसा, जो मतलब ब्लैक के साथ अगर कुछ मिक्स्ड हो वो कुछ नेगेटिव नहीं होता। हाँ, ऐसा कभी नहीं बोला मैंने, मतलब मुझे याद नहीं ऐसा कुछ बताया। मुझे लग रहा था कि कुछ जैसे एक दिन आया था कुछ कलर कॉम्बिनेशन था, ब्लैक था लेकिन उसके साथ और भी कुछ कलर था, तो आपने शायद जैसे चैरियट में है ब्लैक एंड व्हाइट इकट्ठा है, हाई प्रिस्टेस में है, उसमें बोला होगा ना कि उसमें आप ये मत देखो कि नेगेटिविटी और साथ में पॉजिटिविटी भी तो है, तो वो बैलेंस की बात कर रहे होंगे, ऐसा ही बताया होगा। अच्छा, जैसे कि ब्लैक कलर है उसमें अगर ब्लैक में अगर कोई ऑरेंज या रेड है तो उसको पूरा नेगेटिव नहीं मानना है ना, ऐसे कहीं होता ही नहीं है। मतलब कपड़े में जैसे हम मेनली ब्लैक को शुभ नहीं मानते, कपड़ा आए या बैकग्राउंड आए, तो पूरा ब्लैक हो, अगर पूरा ब्लैक नहीं है उसमें कुछ और है, कलर है या कुछ है। देखो क्या होता है ना, एक होता है ब्लैक, एक होता है आउटलाइनिंग में ब्लैक है, अब तुम उसको थोड़ी ब्लैक मान लोगे आउटलाइनिंग को, आउटलाइन तो वो ब्लैक से ही करेंगे, है ना। आप कार्ड ढूंढो कोई जिसमें ये आप जो बोल रहे हो वो चीज हो, तो हम देखते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं और एक मेरा है, मैं उस दिन एक्चुअली एक ये देख रहा था एस्ट्रो टॉक में, कुछ ऐसे लाइव ये देख रहा था, तो उसमें कोई क्वेश्चन आंसर चल रहा था टैरो का, तो उसमें मैं देख रही थी कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा था और जो टैरो रीडर है वो मतलब एक के बाद एक ये निकाल रहे थे, तो क्या ऐसे ही होता है क्या जैसे क्वेश्चन? शफलिंग करोगे तो पता लगेगा कैसे होता, अभी करेंगे ना शफलिंग। हाँ जी, यस मीनाक्षी बोले। मैम मेरा ये एक मिनट, दो मीनाक्षी है, मैं रेड टॉप अभी आपसे बात करती हूँ, दूसरी वाली मीनाक्षी से बोल रही हूँ। हाँ जी मीनाक्षी बोलो। मैम एक क्वेश्चन, सो यार बड़ा कंफ्यूज हो रहा है, सो सॉरी मैम, सो सॉरी मैम, मेरा नाम मीनाक्षी वाजपेयी है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, सॉरी। अच्छा, ओके कोई नहीं, मीनाक्षी वाजपेयी आपसे अभी बात करते हैं, दूसरी वाली मीनाक्षी आप बोले। हाँ जी मैम, एक पर्सन है उसका बेटा जो है बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, तो वो मेरे से ये पूछ रहा है कि भी कैसा रहेगा आगे इसका स्टडी टाइम। मेरा कार्ड है मून, द मून, उसको ये कह सकते हैं कि आपका टाइम थोड़ा सा भी ठीक नहीं चल रहा है, आप बाहर जाएंगे आपको अपने सर्वाइवल से थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको दूसरों की गाइडेंस लेनी पड़ सकती है, ऐसा बोल सकते हैं? कभी भी गाइडेंस मत लेना, ये कार्ड तो धोखे का है कि दूसरों पे तो डिपेंड ही मत करना, सिर्फ अपनी सुन के चलना, अपनी इंट्यूशन की सुन के चलना, दूसरे लोग तो फायदा उठाएंगे उसका, तो आप बिल्कुल ऑपोजिट गाइडेंस दे रहे हो उसे। एक मैम ये है कि मेरे बिजनेस में कब प्रोग्रेस होगी, मेरा कार्ड आया हैंगमैन का, अभी आप कब का जवाब नहीं दे सकते जब तक मैं पढ़ाऊंगी नहीं। यस मीनाक्षी वाजपेयी आप बोले।
मैम जैसे हम शफलिंग कर रहे हैं, हम उन्हें कोई कार्ड निकाल, एक कार्ड गिर गया, हम उसको ले या फिर उसको अंदर डालें? फिर क्या होता है ना, एक होता है कि आपकी प्रैक्टिस कम है अभी, आप फ्रेशर्स हो, है ना, उस वजह से गिर गया तो अभी उसको मिला लो उठा के। एक होता है एक्सपीरियंस्ड रीडर से भी गिर जाए तो उसके दो तरीके होते हैं। कुछ रीडर्स उसको सपोर्टिंग कार्ड मान लेते हैं कि जो भी वो आंसर देंगे उस आंसर में वो उस कार्ड को भी देखेंगे। कुछ रीडर्स उसको बिल्कुल ही अलग कर देते हैं डेक से, तो वो आपको देखना पड़ेगा आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हो। मैं पर्सनली उसको अलग कर देती हूँ, उसको आप कंसीडर नहीं करते मैम बिल्कुल भी? कंसीडर नहीं करती। हाँ जी मैम, लास्ट क्वेश्चन मैम, जैसे मान लो हम उसने बोला कि मेरा बिजनेस ठीक क्यों नहीं चल रहा, तो टेन ऑफ फ्रेंड्स आ गया, मैंने उसको सारा समझा दिया मैम, अब मैंने उसको जनरल गाइडेंस तो दे दी जैसे आपने सिखाई है हमें कि काम बांटो, इस तरह से सारा बताऊंगी मैं उसको। मैम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के लिए मैं इसी कार्ड को पकड़ूंगी, सूर्य की रेमेडीज दूंगी, अलग से हम कार्ड अलग से कार्ड निकलेगा और वो मैं रेमेडीज में आपको पढ़ाऊंगी, है ना? ठीक है जी। सो नेक्स्ट कौन है? संगीता जी बोले। मैम मुझे क्वेश्चन था कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है, तो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स मैम कैसा रहेगा? हम कहेंगे आपको इस लड़के से शादी करनी है, कर लो, आपने क्वेश्चन तो पूछा नहीं है। कैसा रहेगा पूछ रहे हो? यस मैम, कैसा रहेगा? कैसा? सेवन ऑफ वॉन्ड्स में हम कहेंगे कि आप बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आएंगी, आपका नजरिया भी गलत हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या करूं। उसमें कंफ्यूजन की इतनी हद है उस कार्ड में कि उसके आप देखो जूते भी अलग अलग है, है ना? तो सॉरी मैम, स्वॉर्ड्स बोला मैंने, स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स बोला, अच्छा सॉरी। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप अपनी अच्छी वाली मैरिड लाइफ में चलते हुए भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, तो आप बहुत संभल के चलना पड़ेगा। हाँ जी मैम, जिससे जिससे मुझे शादी करनी वो लड़का कैसा रहेगा मैरिज के लिए, ये पूछना था, ये क्वेश्चन था। अच्छा, वो लड़का कैसा है? तो वो लड़का और डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, चीटिंग कर सकता है, मत करो शादी, है ना? तो जिसके लिए भी आप पूछ रहे हो, अगर अपने लिए पूछ रहे हो तो हम आपके लिए बोलेंगे, दूसरे के लिए पूछ रहे हो दूसरे के लिए बोलेंगे। शादी से पहले टैरो सीखना चाहिए था, सही बात है, है ना? ठीक है जी। सो हाँ जी, क्षमा बोले। गुड इवनिंग मैम। मैम आपने ना नोट्स में किंग ऑफ वॉन्ड्स में लिखा हुआ है इट मे आल्सो पॉइंट टू अ फाइनेंशियल नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट, व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि अगर आप कोई डील फाइनलाइज करना चाहते हो तो वो डील आपके फेवर में फाइनलाइज हो जाएगी, अच्छे अच्छे नेगोशिएशंस। ओके मैम, सेकंड क्वेश्चन था मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मतलब कैसे अच्छी होगी, गाइडेंस चाहिए बेसिकली। तो मेरा कार्ड आया सिक्स ऑफ कप्स, तो सिक्स ऑफ कप दिखाता है कि कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं नहीं, वो तब दिखाता है जब अगर आप पूछते कि मेरी हेल्थ क्यों अच्छी नहीं है। okay. है ना, अभी तो आप हमसे गाइडेंस मांग रहे हो, तो गाइडेंस का है कि आप बड़ों से रिस्पेक्ट करो, बड़ों से सलाह लो, गाइडेंस लो, बट इस हेल्थ में हम क्या बोलेंगे? हाँ, तो वही मैं पॉइंट आ रही थी ना, बड़ों से रिस्पेक्ट और सलाह इस क्वेश्चन पे नहीं बैठता ना। हेल्थ में ये क्या कहता है, एक तो कि आपको ना बड़े एक्सपीरियंस्ड और सीनियर डॉक्टर की जरूरत है ना, और आप ट्रेडिशनल तरीके भी अपना सकते हो इलाज के। ठीक है। एंड मैम, नाइट ऑफ कप्स आया एंड क्वेश्चन था कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं, तो वो शायद आपने बताया कि आप जल्दी में डिसीजन लेते हो, दैट्स व्हाई, मतलब हेस्टी। गाइडेंस अगर आपको देनी है कि कैसे क्या करूं नहीं है, तो गो स्लो एंड स्टडी, जल्दी जल्दी नहीं भागो। ओके एंड मैम, एक बंदा पूछा है कि डिवोर्स लूं या नहीं, यस एंड नो क्वेश्चन है, तो एट ऑफ कप्स आया है। एट ऑफ कप्स इज अ नेगेटिव कार्ड, नो, नहीं लो। ओके एंड मैम, एक पर्सन है जो पूछा है कि मुझे मास्टर्स के बाद पीएचडी करनी चाहिए या जॉब करनी चाहिए, तो इट्स अ चॉइस क्वेश्चन, तो पीएचडी के लिए आया है फोर ऑफ वॉन्ड एंड जॉब के लिए आया है एट ऑफ वॉन्ड। फोर ऑफ वॉन्ड्स चुन लेंगे हम यहाँ पे, फोर ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स तो फ्यूचर में दिखाता है ना, स्ट्रगल के बाद सक्सेस है, फोर ऑफ वॉन्ड्स तो विक्ट्री है, तो वहाँ फोर ऑफ वॉन्ड्स चुन लेंगे। ओके एंड मैम, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, पूछ रहा है करूं या नहीं, एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स आया, नहीं करो, अभी नहीं करो।
ओके मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि बर्डन हो जाओगे तो आप काम बांट लेना एंड ऑल, बट जब वो शुरू कर रहा है ना वो ये कहेगा पहले ये तो बताओ करूं कि नहीं करूं, आप गाइडेंस क्यों दे रहे हो, तो पहले तो हमें प्रेडिक्शन देनी पड़ेगी। तो मतलब इसमें कोई भी क्वेश्चन यस और नो का आता है तो हम नो बोलेंगे। नो है, नो। ठीक है मैम। एंड मैम अगेन है कि माय हेल्थ इज नॉट गुड एंड नीड गाइडेंस। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपको एडजस्ट करना चाहिए, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, जो आपको एडवाइस देनी दी जा रही है वो आपको माननी चाहिए। बेसिकली डॉक्टर्स आपको जो कह रहे हैं आप वो करो, बिल्कुल मानो, आपका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रिजिड होने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। एंड अनदर क्वेश्चन इज रिलेशंस मेरे अच्छे नहीं चल रहे हैं तो मैं क्या करूं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं मैं क्या करूं, कोई पार्टी रख लो, कोई गेट टुगेदर रख लो, रिलेशंस के साथ टाइम बिताओ, कुछ ऐसा अरेंज करो जिसमें आप उनके साथ टाइम बिताओ और बॉन्डिंग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो एंड फ्रेंड्स के साथ। ठीक है जी। तुषार बोलें। तो मैं एस्ट्रो टॉक में ही आई वाज वाचिंग दीज लाइव वीडियोस उनके, तो देयर वाज दिस वन क्लाइंट जिन्होंने बोला कि रीडर को कि मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं चल रही है एंड डॉक्टर भी मतलब मेरी ट्रीटमेंट चल रही है अभी भी बट आई कांट सी मच चेंज, तो आप बताओ मुझे हुआ क्या है। सो दैट वाज अ वेरी ट्रिक क्वेश्चन बिकॉज ये मैं क्यों, हाउ कैन द टैरो रीडर बी दैट अंतर्यामी, बट एनीवे उन्होंने बड़े पोलाइटली कार्ड निकाला एंड शी सेड पीठ में शायद बहुत दर्द है आपके and which was magical in for the client because वो तो एकदम stunned हो गए और उन्होंने बोला हाँ मेरे पीठ में, फिर कहानियाँ चल पड़ी आगे। but I was thinking कि ये 10 of swords के अलावा I don't see any card which talks about पीठ में problem है, so how did she discover that? 10 of swords आया हो, but मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, when you see someone predicting it is not necessary that they're doing it only through the cards, है ना। क्या होता है आप जब prediction लेते हो, जैसे आप मुझसे कह रहे हो मुझे एक question पूछना है, तो you don't know what am I using to predict, आप सोच रहे हो मैं टैरो कर रही हूँ बट मुझे पता है कि इसका आंसर मुझे कहाँ से मिलेगा। सो ये हम नहीं बता सकते टैरो में कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ डिजीजेस हैं, हम कहाँ से रिलेट करेंगे उनको। ये कुछ हद तक हम न्यूमरोलॉजी से बता सकते हैं, कंप्लीटली हम वहां से भी नहीं बता सकते, और कुछ हद तक एस्ट्रोलॉजी से बता सकते। So, do you also get such clients where they come up to question you ki bhai, matlab they don't say much but they just give it on you, your shoulders ki aap bataye? Such questions. Main, matlab, I am very particular about my readings. Main jab consultation deti hun to main unko pehle hi bata deti hun ki main ek reader hun, ek consultation de sakti hun, ek coach hun, I am not an antaryami. Agar aap mujhse yeh kehte ho ki meri patni ka pehla letter batao, mere pati ka pehla, to I am not such kind of a person. You are coming to a wrong person. Mere se agar aap logical baatein karoge to aapko answers milenge. To isliye mere paas consultations bhi hamesha logically aati hain kyunki unko pehle hi pata hai ki meri thinking kaisi. And just in case agar peeth mein dard, it can be 10 of swords apart from the diamond thing. 10 of swords mein bhi theek hai agar aap bol rahe ho, to main to kabhi usko aise use nahi karti. पर okay. if you want to, because उसके बैक पे ऐसे स्टैब किया हुआ है और दिखा रहा है, पर आप ये सोचो ना कि अगर, मतलब मेरा मन मुझे क्या कहता है कि अगर वो बताना चाहते आपको प्रॉब्लम तो वो हर कार्ड में बताते ना, why have they chosen only पीठ का दर्द टू टेल यू एंड नॉट any other प्रॉब्लम। Absolutely. I have some problem, say I have a headache या माइग्रेन, which card tells you which that? Card. Which card? Why didn't they come up with a card to tell you that, है ना? तो ऐसा नहीं होता, अगर उन्होंने कुछ बनाना होता तो वो हर कार्ड में बनाते ना। वही बात हो गई कि आप कहते हो एम्परर कार्ड एरीज है, तो बाकी 77 कार्ड्स में वो सो गए थे क्या भाई? वो बाकी 77 कार्ड्स में भी तो आपको साइन दिखाते ना। तो दैट इज व्हाई आई डोंट लिंक दीज थिंग्स लाइक दिस, है ना। और ये हमारे यहीं पे प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ लिंकिंग बहुत ज्यादा है, एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रो टैरो। आप बाहर देखोगे ना, वेस्टर्न रीडर्स साफ साफ लिख देते हैं टैरो इज नॉट मेंट फॉर टाइमिंग एंड हेल्थ, क्योंकि जो चीज जिसके लिए नहीं है उसको एक्सेप्ट कर लो भाई, पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम है नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसमें निकाल के मानेंगे वो चीज। And another thing which I noticed was कि उन्होंने बोला कि क्या मेरा लव मैरिज हो जाएगा, तो उन्होंने कार्ड निकाल के बोला हाँ पॉजिटिव है, उन्होंने बोला 60% चांसेस हैं,
ये 60% 40% हम तो यही सीख रहे ना, हाँ या ना, तो ये हाँ या ना, बट कोई भी हाँ बोल के सारी चीज अपने सर पे थोड़ी ले लेगा, तो वो यही बोलेगा 60-70% चांसेस है, एंड विच इज ऑल्सो ट्रू. वाई? बिकॉज सी वी कैन ओनली प्रिडिक्ट द पॉसिबिलिटीज, है ना. आप क्रिया मान में यू आर फ्री टू चेंज योर डिसीजन, है ना. हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं दे आर द पॉसिबिलिटीज. एस्ट्रोलॉजी एज अ शास्त्र नेवर सेज दैट दिस इज बाउंड टू हैपन, ये 100% होगा, खुद ही नहीं कहता शास्त्र, कहता है ऐसा हो सकता है, उसको करना ना करना. मैं कहती हूँ तुम्हारी पत्री में राज योग है, तुम राजा बनोगे और तुम सो जाओ कि मैं तो राजा बनूंगा, कुछ नहीं बनोगे तुम जीवन में, ऐसे थोड़ी होता है. उसको हमें यू नो मटीरियलाइज मैनिफेस्ट करने के लिए भी तो काम करना है. मैंने कहती हूँ हाँ लव मैरिज होगी, तुम कुछ करो ही ना, प्यार ही ना करो किसी से तो तुम्हारी मैरिज ही नहीं होगी फिर, है ना. तो वो मैनिफेस्ट भी तो मुझे करना है. तो एनी प्रिडिक्शन शुड बी सेड लाइक दिस ओनली दैट हाँ 70% 60% 80% चांसेस हैं. ठीक है, हैविंग सेड दैट बिकॉज आवर टाइम इज अप, जो डाउट्स रह गए हैं वो मैं डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल. नेक्स्ट क्लास भी पूरी क्लास डाउट में लग जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेंगे. अभी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जानी चाहिए क्वेश्चन आंसर की, बोलने की कार्ड्स पे, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर वेरी नाइसली इफ यू आर थिंकिंग ऑफ प्लेसमेंट्स. नाउ वी आर ऑफिशियल पार्टनर्स फॉर हायरिंग फॉर एस्ट्रोटॉक, सो हम डायरेक्ट प्लेसमेंट्स आपको वहां पे दे सकते हैं, बशर्ते आप बोलो अच्छे से, है ना. तो प्रैक्टिस अपनी बढ़ा लो, बाकी तो अभी हम स्प्रेड्स करेंगे तो उसमें खूब सारी प्रैक्टिस होगी, राइट. हाँ जी सुचित्रा, क्या कहना चाह रहे हो? मैम आज गुरु पूर्णिमा है एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स आल्सो टेक प्रिविलेज टू विश यू हैप्पी गुरु पूर्णिमा. थैंक यू सो मच. यस मैम, हैप्पी गुरु पूर्णिमा. यू आर एन एक्सीलेंट गुरु सो फार एंड I have no words to express. Excellent teacher, I can say. Thank you so much. Thank you. Yes, ma'am. Happy Guru Purnima. Thank you, ji. Thank you so much. Ma'am, आपका date of birth क्या है? मेरा date of birth 8th June 1986. Okay. ठीक है. So अब हम मिलते हैं next class में. और if you are free on Friday, I was thinking of giving it on Friday also. आप सब लोग ready हो Friday के लिए? हाँ. सो फ्राइडे सेम टाइम एट 7, तो उसमें हम आगे अपने डाउट्स वगैरह कंटिन्यू रखेंगे. ठीक है जी, सो सी यू ऑन फ्राइडे एवरीबॉडी, बाय बाय. थैंक यू मैम. थैंक यू.